बढ़ती महंगाई के विरोध में तेजस्वी यादव साइकिल से विधानसभा पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम घट रहे हैं और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में लगातार बढ़ते ही जा रही है। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरियागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। तेजस्वी जी, क्या मकसद है कि क्यों पूरी तरीके से पेट्रोल डीजल गैस दाम जिस तरह से बढ़ा है, आप लोग जानते हैं यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाया करते हैं, महंगाई दाइन खाई जाते है, इसलिए हम सब लोग जो है माइक थोड़ा नीचे करो भाई। आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है और ये साफ तौर पर हमने पहले भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का निर्णय भी था कि किसानों पर किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाए, उन पर हमला किया, और ये आम आदमी से लेकर के देश ऐसे ही जो है बेरोजगारी का केंद्र होता जा रहा है, और ऊपर से जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें आम लोगों का जीना जो है या घर चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। देखो ऊपर कर रहे हैं लोग जो है, चुनाव आता है तो प्रचार जी भैया तो महंगाई है और इसको जो है हम लोग जो है कम करेंगे। बैठे रहिए कम करने लगातार समय समय पर जो है बढ़ाया जा रहा है, और वो तब जब कच्ची तेल जो प्रति बैरल जो है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है, तो जिस हिसाब से बिहार सरकार ने भी टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ के भी लोगों ने टैक्स बढ़ाया है, मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं रहता है, जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो इस हिसाब से जो आम जनता की जो तकलीफें हैं उसको लेकर लगेगा क्या सेंचुरी लग जाएगा क्या तेल के दाम का? नहीं नहीं, लगभग तो कई जगह हो ही गया है, बिहार में कई जगह कई जिलों में सेंचुरी लग चुका है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।